नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। रामायण को प्रमुख ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। रामायण में भगवान श्री राम और माता सीता की विवाह वनवास की कथा मिलती है। माता सीता राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी थी। माता सीता की पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना पड़ा। वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के तीनों ने ही पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। 14 वर्ष में भगवान में माता सीता के कपड़े कभी मैले नहीं हुए, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। वनवास के प्रारंभ में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ ऋषि अत्री के आश्रम में गए थे। ऋषि अत्री की पत्नी का नाम माता अनसुईया था। माता अनसुईया ने तीनों का खूब आदर सत्कार किया और सीता माता को अपनी पुत्री के भांति प्रेम भी किया। माता अनुसुईया ने सबको वस्त्र और आभूषण भेंट किए, जिसमें उन्होंने माता सीता को दिव्य साड़ी भेंट की। इस साड़ी की खास बात थी कि ये तो ना कभी फटती थी और ना ही कभी मेली हो सकती थी। माता अनुसुईया द्वारा दिए गए वस्त्रों का रंग पीला था। 14 वर्ष के वनवास के समय माता सीता ने अनुसुईया द्वारा भेंट की गई साड़ी धारण किया। इस कारण वो साड़ी कभी मैली नहीं होती थी। दिव्य साड़ी और आभूषण भेंट करने के साथ ही माता अनुसुईया ने सीता जी को अपनी पत्नी धर्म का उपदेश भी दिया था। माता सीता हमेशा पीले रंग की साड़ी पहना करती थी। हिंदू धर्म में पीले या गेरुआ रंग के वस्त्र को बहुत महत्व माना जाता है।